लेकिन दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री दावा कर रहे हैं कि राजधानी में सीरो सर्वे की रिपोर्ट इस सप्ताह आ जाएगी और वो ये भी दावा कर रहे हैं कि दिल्ली में स्थिति बेहतर हो रही है। दिल्ली में कल के 787 केस मिलाकर 153,367 पॉजिटिव केसेज अभी तक हो चुके हैं, जिसमें से 138,301 लोग ठीक हो चुके हैं और 10,852 लोग अभी एक्टिव केस हैं। 14,000 हमारे पास दिल्ली में बेड हैं, जिसमें लगभग 3,500 के करीब लोग पेशेंट एडमिटेड हैं। सीरो सर्वे का रिपोर्ट एक्सपेक्टेड है इस हफ्ते में आ जानी चाहिए। और सीरो सर्वे के बारे में बताया था, सीरो सर्वे ये होता है कि आपके ब्लड का सैंपल लिया जाता है, अगर उसमें एंटीबॉडीज पाई जाती हैं इसका मतलब आप इन्फेक्ट होकर ठीक हो चुके हैं। तो पिछली बार जो सर्वे हुआ था उसमें 22% से ज़्यादा लोग दिल्ली के पॉजिटिव पाए गए थे। नहीं मतलब बॉर्डर पर ऐसा नहीं है कि वो बॉर्डर पर उतर जाते हैं, भाई अगर ट्रेन से आ रहे हैं तो स्टेशन पे उतरेंगे, बस से आ रहे हैं तो बस से जाएंगे, ऐसा नहीं है। ISBT पे बनाया गया है और दिल्ली के अंदर जहाँ पर भी टेस्टिंग हमने इतनी सारी डिस्पेंसरीज में हो रही है, ऑल डिस्पेंसरीज देखिएगा पूरे अस्पताल को, मैं खुद गया था देखने के लिए 4-5 दिन पहले, हर जगह कैमरे लगा के एंट्रेंस से लेके एडमिशन से लेके वार्ड तक इवन ICU में भी हर जगह कैमरे लगाए गए ताकि कोई ये ना कह सके कि भाई इसको केयर नहीं मिली। और वहाँ पे राउंड द क्लॉक लोग बैठे हुए देखते रहते हैं, अगर कोई भी दिक्कत हो बात भी कर सकते हैं और इसका काफ़ी पॉजिटिव